न्यायाधीश और महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति न्यायमूर्ति भूषण गवई ने कहा कि नागपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने की संकल्पना सामने आने के बाद कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। खुशी है कि सभी बाधाओं को पार कर विश्वविद्यालय साकार हो रहा है। रविवार को विश्वविद्यालय में छात्रावास का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया था। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा, बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के प्रशासकीय न्यायाधीश सुनील शुक्रे, विश्वविद्यालय निर्माण समिति के चेयरमैन न्यायाधीश अनिल किलोर, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, कुल सचिव डॉक्टर आशीष दीक्षित, ओएसडी डॉक्टर चामार्ती रमेश कुमार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। न्यायाधीश नरसिम्हा ने विद्यार्थियों को न्यायदान के पंचसूत्र बताए, साथ ही कहा कि वकील या न्यायमूर्ति बनते समय अमीर गरीब राजनीतिक प्रभाव न रखते हुए वैज्ञानिक सत्य का पक्ष ले, लक्ष्य व एकाग्रता बनाए रखे, कोई भी कार्य पूरा होने तक रुके नहीं, कड़ी मेहनत करे। डॉक्टर दीक्षित ने आभार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले दिनों में आपकी ओर से अपेक्षाएं भी बहुत है और कोई कैंपस होता है, कोई हॉस्टल होता है, इट इज नॉट अ मियर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। मुझे याद है कि जिन्होंने हमें संविधान दिया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जिसमें पढ़ रहे थे और जिस घर में रहकर वो लंदन में पढ़ते थे, उस घर की नीलामी निकली तो कई लोगों ने हमको ये कहा कि ये प्रेरणा का स्रोत है, ये घर नीलाम नहीं होना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमने वो घर खरीदा और वहां पर हम लोगों ने एक म्यूजियम जैसा तैयार किया जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लेटर्स है, जिसमें उनका काम है। और उस समय जब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया और वहाँ पर जब वहाँ के फैकल्टी से मैं बात कर रहा था, तो आज भी वो याद करते हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो ये जो बात होती है, वो जो घर है, आज लोग जब वहां जाते हैं उस घर में, वो तो किसी और घर की तरह घर है, लेकिन वो प्रेरणा पुंज है, क्योंकि हमारे देश के एक सबसे बड़े विचारक वहां रहकर पढ़ते थे, तो हमारे देश से जाने वाले सभी लोग आजकल वहां जाते हैं और वहां प्रेरणा पाते हैं। इसलिए कोई भी घर या कोई भी रहने की जगह, या केवल घर या रहने की जगह नहीं होती, तो व्यक्ति अपने वास्तव्य से, अपने अस्तित्व से और अपने कर्तृत्व से उसको बड़ा बनाता है। ऐसे ही आप लोग इस हॉस्टल में रहकर इसको बड़ा बनाए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।